जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पॉट फ्री टेक में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेटा ब्रिचेस के बारे में। तो गाइज़, आजकल हर एक यूज़र हमारी डेली लाइफ में जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, या किसी भी अगर किसी ऐप में भी आप साइनअप करना हो तो आप अपनी जो जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि आए दिन ये भी न्यूज़ आती रहती है कि इस सोशल मीडिया वेबसाइट का जो डेटा है यूज़र्स का वो लीक हो गया या ब्रीच हो गया। बट अब हम कैसे पता लगाए कि हमारा जो अकाउंट है, जो हमारे सोशल मीडिया जो हमारा सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है वो सेफ है या नहीं, वो उसका भी डेटा लीक हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि जो आपका डेटा है वो ब्रीच हो चुका है, मतलब जो आपका डेटा है वो लीक हो चुका है, तो आप अपना जो अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज करके आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। और ये भी बात है कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ये भी इस डेटा ब्रीचेस का शिकार होती है। जैसे हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, या लिंक्डइन की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, ये सभी का ही जो डेटा है वो हैक होता है। और जो हैकर है हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम, जो हमारी जीमेल आईडी है, वो उसको कितने ही उसको सेल करके बहुत ज़्यादा पैसे वो इससे अर्न करते हैं। इसलिए वो हमारा डेटा को हैक करते हैं, और वही हैक वाला डेटा वो कंपनीज को सेल करते हैं। जो कंपनीज को यूजर्स का डेटा चाहिए होता है उनको सेल करते हैं, जिससे हमें जो अपना प्रोडक्ट वो जो कंपनीज होती हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल करने में उनको हेल्प मिलती है। तो हम एक वेबसाइट है, मैं आज आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से हम जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो हैक हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो कौन कौन सी वेबसाइट में हमारा जो डेटा का हैक का मीनिंग, मतलब कि जो हमारा डेटा लीक हुआ है या नहीं, जो हमारी पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो लीक हुई है या नहीं, तो हम आज इस वीडियो की मदद से पता लगाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ हो रही है और कौन सी वेबसाइट में आपका जो डेटा है वो ब्रीच हुआ है, तो ताकि आप नेक्स्ट टाइम से अपनी प्रोफाइल को जो मोर सिक्योर कर सकें। तो यहाँ पे एक आपको गूगल में कुछ सर्च करना हैव आई बीन पॉन करके ये वेबसाइट है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे चले जाना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेक इफ योर ईमेल और फ़ोन नंबर इज़ इन डेटा ब्रीच और नॉट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने ईमेल का भी यूज़ करते हैं, जिसको आप फेसबुक या अनदर वेबसाइट जिस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाए हुए हैं उन्होंने जो लार्जेस्ट ब्रीचेस होती है। यहाँ पे फेसबुक भी शामिल है, यहाँ पे आपको जो जो वेबसाइट के बारे में आपको पता है, लिंक्डइन भी यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे इंडिया मार्ट के अकाउंट्स भी शामिल है, यहाँ पे फैंटेसी फुटबॉल हब करके का भी एक वेबसाइट है वो भी शामिल है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोइन मार्केट, यहाँ पे ये भी इनके भी अकाउंट कुछ हैक हुए हैं। तो ये फेसबुक अकाउंट्स हो गया, यहाँ पे ऑनलाइन स्पैनर अकाउंट्स हो गया, वेरिफिकेशन के लिए जो हम वेबसाइट्स होते हैं जो सर्वे प्रोवाइड करते हैं वो भी यहाँ पे शामिल है। तो ऐसे ही इसलिए आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि अपना जो अकाउंट्स है उसको स्टोर रखें, हर जगह पे जाके अपने जीमेल के साथ साइन अप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आजकल तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी होती है वहाँ पर भी हम अपने जो ईमेल वेरीफाई करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रख के ही ये जो साइन अप वगैरह होता है हर एक वेबसाइट में करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर जो मेरा ईमेल है मैं डाल के बताता हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपको अपना ईमेल, तो यहाँ पे ये मेरा ईमेल हैक हुआ हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ हुआ, मुझे ये ऑलरेडी यहाँ से मुझे पता है, और मैंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए हैं, तो पासवर्ड वगैरह चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो पहले तो आपको बता दें कि कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा, पहले तो बता दें कि आप अपने जो अकाउंट को है प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं उसके, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन, ताकि आपका जो अकाउंट है अगर फिर से डेटा का ब्रीच होता है तो
आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, कुछ यहाँ पे मेरा जो डेटा ब्रिज हुआ है, यहाँ पे एपन करके जो वेबसाइट है, जो एआई ट्रेनिंग डेटा करके ये वेबसाइट है, जहाँ पे जो हमारा जो डेटा है, जो मेरी वेब, जो मेरा अकाउंट है, वहाँ पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो सोल्ड हुई है। तो यहाँ पे एक कैश क्रिएट करके वेबसाइट है, या जो न्यूज़ वाली वेबसाइट है, यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ यूज़र का डेटा ब्रीच हुआ, मेरा भी चेक करके, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है। और नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे क्लियर वॉइस सर्वे एज, मोस्टली जो सर्वे वाली वेबसाइट होती है ये डेटा यूज़र का ब्रीच करते ही करते हैं, ये तो मुझे मालूम ही है। तो आप भी ध्यान रखिए, जो सर्वे वाली वेबसाइट होती है, जो आपको कुछ सर्वे कंप्लीट करने का कुछ 0.001 डॉलर देते हैं, उन पर जाके अपना जो डेटा को ब्रीच मत कीजिए, वहाँ पर साइनअप मत कीजिए। डोमिनोज इंडिया ये एक बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे भी जो यूज़र्स का जो ईमेल एड्रेस, नेम्स, फ़ोन नंबर्स, फिज़िकल एड्रेस, परचेसेस वगैरह, यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा का एक कॉलम है, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपकी इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई है। तो यहाँ पे IEM करके वेबसाइट है, यहाँ पे जो डेटा का ब्रीच, पासवर्ड तक यहाँ पे ब्रीच हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड, बाय ईमेल एड्रेसेस, नेम, पासवर्ड एंड यूज़र नेम, देखिए एक्सिको करके ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इनको पासवर्ड, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप चेक कीजिए। ये वीडियो बनाना क्या, यही मेरा मकसद है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे आपके डेटा का ब्रीच हुआ है, और अपना पासवर्ड जल्दी से जल्दी आप चेंज कर सके अगर आपके डेटा का ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पे नेक्ट्रो करके ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी मेरा डेटा है वो ब्रीच हुआ है। तो अगर आपका डेटा ब्रीच नहीं हुआ तो आपको ये, तो इन केस अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ तो आपको जल्दी से जल्दी जाके अपने पासवर्ड को चेंज करना और 2-स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करना। और इन केस अगर आपका डेटा ब्रीच नहीं हुआ है तो आपको कुछ इस प्रकार का जो आ जाएगा, तो इस वेब या गुड न्यूज़ न्यू ब्रीच फाउंड, तो इस प्रकार का आपको आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट है जो वो सेफ है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।